केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय जनता पार्टी के संपर्क और समर्थक अभियान के लिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान से उनके घर पर मुलाकात की। पिछले महीने मोदी सरकार के 4 साल को दर्शाने के लिए समर्थक के लिए संपर्क अभियान शुरू किया गया था। यह कुल बैठक 30 मिनट तक चली। केंद्रीय मंत्री ने सलीम के सामने कुछ पुस्तिकाएं दिखाई जिसमें पिछले 4 सालों में मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में पूरा विवरण था। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, उद्योगपति रतन टाटा, बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, शिरोमणि अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल और पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह सहित कई नेताओं से मुलाकात की। काम की बात करें तो इस समय सलमान अपनी आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म रेस 3 के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इस फिल्म में अनिल कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, बॉबी देओल, डेजी शाह और साकिब सलीम भी मुख्य भूमिका में हैं। रेमो डिसूजा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 15 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी।